बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम मीन राशि वाले जातकों के असफलता का कारण जानेंगे कि उनका जीवन असफल क्यों हो जाया करता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसे जानने से पहले आप हमारे वेबसाइट misra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। दोस्तों आप गूगल पर सर्च करें और वहां पर जाएं, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। या दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्योतिष की दुनिया की लगभग सब कुछ वहां है, अथवा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। मित्रों अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मीन राशि वाले जातकों का असफलता का कारण क्या वजह है कि वो अपने जीवन में बार बार असफल होते हैं। दोस्तों मीन राशि वाले जातक में बहुत से गुण पाए जाते हैं, किंतु उनके बहुत गुणों के बीच कुछ अवगुण भी छुपा हुआ है, जिसके कारण ये न चाहते हुए भी कभी कभी इन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। ये अपने जीवन में कभी कभी असफल भी होते हैं। दोस्तों उन खामियों में, उन कमियों में है वासना प्रिय। दोस्तों मीन राशि वाले जातक जो हैं वासना प्रिय होते हैं। ये वासना प्रिय प्रवृत्ति बस छूत छात की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने वासना में लिप्त इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कि ये किसी के साथ भी अनैतिक संबंध बना बैठते हैं और ये विभिन्न प्रकार के रोग से भी ग्रसित हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, समाज में, परिवार में इनका मान और सम्मान दोनों खत्म हो जाता है। लोग उन्हें बिल्कुल नीच नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। लोगों के बीच उनका उठना बैठना समाप्त हो जाता है और उनका बना बनाया सफलता, बना बनाया जो चीज़ होता है वो मिनट सेकंड में समाप्त होने लगता है। तो दोस्तों इनका वासना प्रिय होना भी इनके असफलता का एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है, क्योंकि वासना में लिप्त होकर ये किसी को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये अपने मन के हो जाते हैं, इनके मन में जो आता है केवल वही करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये जातक जो हैं, ये जातक भावुक भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अपने इस भावुक प्रवृत्ति के कारण ये शीघ्र ही भावना में बह जाते हैं और अपने भावना में बहकर ये जो हैं सो अपने आप को भी खो बैठते हैं। जब ये अपनी भावना में बह जाते हैं तो बस अपने आप को जिसकी भावना में बहते हैं उसका कर देते हैं। अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल और दिमाग को भावना में बहने वालों के हवाले कर देते हैं। तो इतनी भावना में बह जाना या भावुक हो जाना बिल्कुल ही उचित नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, लोग इसका नाजायज फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अतः इसी भावुक बस लोगों के बीच जो है इनका तालमेल तो खूब अच्छा बन जाता है, किंतु अच्छा तालमेल बनकर जब इनसे सारा चीज़ मठा हुआ हो जाता है, चूसा हुआ हो जाता है, तो फिर इनके पीठ पीछे छुरी देकर, लात देकर लोग आगे निकल जाते हैं। ये ज्यों का त्यों अपने जगह पर परे का परे रह जाते हैं और
जिनके प्रति ये जातक भावना दिखाते हैं वो इनसे आगे निकल जाते हैं। अतः इतनी भावुक हो जाना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, जो इनके लिए असफलता का द्वार खोल दे। दोस्तों, ये सरल हृदय वाले होते हैं, इनका हृदय जो है बिल्कुल ही सरल होता है। ये सरल स्वभाव वाले लोग होते हैं। अपने इस सरल व्यवहार के कारण, सरल स्वभाव के कारण ये असफल हो जाते हैं। अपनी सरल व्यवहार, सरल वाणी, सरल बुद्धि के माध्यम से, सरल बुद्धि के द्वारा जो है ये व्यक्ति इनका गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के सामने में ना नहीं कहते हैं। अपने सामने आने वाले याचक को ये हर प्रकार से संतुष्ट कर देना चाहते हैं, हर प्रकार से तृप्त कर देना चाहते हैं। अपने इसी व्यवहार के कारण लोग इनका जो है सो फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं, और अंत में जो है इन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। किंतु दोस्तों, ये तो इन्हें उस समय पता चलता है जब इनके हाथों से सारा समय चला गया होता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है, तो अब पछतावत होत क्या, अब चिड़ियाँ चुग गई खेत। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा नाक कटने से पहले सावधान रहना चाहिए, नाक कटने के बाद नहीं। अतः कुछ भी करने से पूर्व हमें 100 बार अपने दिल और दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच लेनी चाहिए, और सोचने के बाद उसे कार्यक्षेत्र में लागू करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। दोस्तों, ये त्यागी भी होते हैं, बहुत बड़ा त्यागी भी होते हैं। ये मीन राशि वाले जातक अपने इस त्यागी प्रवृत्ति के कारण जो है सीधे राजा हरिश्चंद्र बनने पर तैयार हो जाते हैं। अपने इस प्रवृत्ति के कारण जो है, जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जो हैं स्वप्न में देखे हुए बातों को ही साकार मान लिया, सच्चा मान लिया, और अपना राज दान में दे दिया, उसी प्रकार से ये व्यक्ति केवल इनके सामने में याचक को मुख से निकलनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, ये तत्पर हो जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि वो चीज़ इनके पास नहीं भी है, फिर भी उनकी सहायता में ये तत्पर हो जाते हैं। यानी अपने सामने वाले याचक को ये कभी भी निराश होता नहीं देखना पसंद करते। ये किसी को भी अपने पास जो आता है उन्हें तृप्त कर देना इनके मन की हमेशा ये आशा बनी हुई रहती है। इतने बड़े त्यागी होते हैं। दोस्तों, इनके पास जो सामर्थ्य की चीज़ें हैं, सामर्थ्य की बातें हैं, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, किंतु जो चीज़ इनके बस से बाहर है उसमें भी अपना दिल और दिमाग लगा देते हैं, उस कार्य क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ते जाते हैं केवल दूसरों के लिए। और ये जो है इनके अपने असफलता का कारण बन जाता है, क्योंकि इनके इस प्रवृत्ति से इनके लोग, परिवार वाले बिल्कुल खुश नहीं रहते, बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहते। नतीजा यह होता है कि परिवार में आनाकानी, परिवार में संघर्ष और विद्रोह शुरू हो जाती है, और ये जो है अपने जिंदगी को उस सफलता के मार्ग से दूर कर और सफलता की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, ये सारे अवगुणों के कारण जो है मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में प्रायः असफल हुआ करते हैं। दोस्तों, यदि मीन राशि वाले जातकों को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो आप अपने में समाए इन अवगुणों को त्याग दें, अन्यथा आप सफल नहीं होंगे। आप असफलता के मार्ग पर ही चलकर असफलता रूपी गड्ढे में ही गिर जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें।
आप जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कमेंट में लिखें जय शंभु नारायण।